आपने सिंपल एक वेरिएबल बनाया स्टार पी वन, पी वन इज इक्वल टू न्यू इंट, मतलब के उसको मेमोरी री इनिशियलाइज की, पॉइंटर के अंदर नई मेमोरी लोकेशन आपने असाइन कर दी। अब स्टार पी वन इज इक्वल टू 23, उस लोकेशन पर 23 स्टोर कर दिया। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास जब आउटपुट आएगा वो 23 आएगा, क्योंकि आपकी उस पर्टिकुलर लोकेशन पर 23 है। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप कहते हैं मैं डायरेक्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, तो 23 आप यहाँ भी दे सकते हैं, सेम वे में आउटपुट सेम आएगा, क्योंकि आपने मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया उसके साथ ही उसको प्रिंट किया। एक और वेरिएबल बनाया आपने p2 star p2, और इस p2 वेरिएबल को हमने कहा p2 इज इक्वल टू p1। तो अब इस तरह से क्या होगा, एक नई लोकेशन जो मेमोरी की बनाई है आपने, उसमें 23 स्टोर है, और उस लोकेशन को पास कर दिया p2 को, तो आपका जो p1 है वो तो प्रिंट करेगा p1 की वैल्यू, इसके साथ साथ p2 भी वैल्यू प्रिंट करेगा p2 की, क्योंकि p2 और p1 दोनों पॉइंट कर रहे हैं एक ही लोकेशन पे, तो आप दोनों को प्रिंट कराएंगे तो दोनों ही 23 यहाँ पर प्रिंट करेंगे। यहाँ हैंडल लगा लेते हैं ताकि आउटपुट नई लाइन पे आए हैंडल, और इस तरह से हम इसको चलाते हैं। तो चलाएंगे हमारे पास तो दोनों का आप देखें, यहाँ पर दोनों ही एक सेम मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट कर रहे हैं, P1 और P2 दोनों ही आपके पास 23 प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो P1 को दोबारा से इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप कहेंगे P1 इज इक्वल टू न्यू एंट 1000। अब आपका P1 री इनिशियलाइज हो गया, लेकिन P2 उसी मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है जो कि जिसके अंदर 23 स्टोर था। P1 को नई मेमोरी लोकेशन मिल गई, और नई मेमोरी लोकेशन के अंदर आपका 1000 स्टोर हो गया। अब अगर आप चला के देखें P1, अच्छा वेरिएबल का नाम नहीं चेंज किया था, देखिए P1 इज 1000 और ये P1 23 है, P1 23 कौन सा, ये P2 23 है, ये P2 23 है। इसको चला के दिखाते हैं दोबारा से, ये देखिए आपके पास P2 23 है और P1 1000 है, क्योंकि उसको रीइनिशियलाइज कर दिया और पुराने वेरिएबल की वैल्यू सेम रहेगी, वो सेम मेमोरी लोकेशन पॉइंट कर रहा था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। यहाँ पे हम एक ओपन कर लेते हैं क्लास, ये क्लास याद है जब हमने क्लासेस पढ़ी थी, एम्प्लॉय के हमने कंस्ट्रक्टर बनाए थे, एम्प्लॉय का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर, उसका फिर फंक्शन थे गेट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, नेट पे, सेट नेम, सेटर गेटर फंक्शन बनाए थे, सेट नेम, सेट पे, प्रिंट चेक, याद है एग्जाम्पल? यस सर। अब इस एग्जाम्पल को मैं आज दोबारा चला रहा हूँ ताकि आप उसको समझ लें, लेकिन ये क्लास है सिर्फ एम्प्लॉय क्लास, हेडर फाइल है, हमें कौन सी ओपन करनी पड़ेगी, एक छोटी क्लास ले लेते हैं हम सिंपल वाली, क्योंकि हमें फोकस करना है आज, समझाना है आपको वो डेमो के पॉइंटर कैसे यूज होंगे, स्टूडेंट क्लास ले लेते हैं, ये आसान रहेगा आपके लिए, लेकिन ये सिंपल एक क्लास है। इस क्लास में देखें स्टूडेंट क्लास है, उसमें उसका नेम है, एज है, CGP है, और इंटर स्टूडेंट प्रोफाइल मेथड है और प्रिंट प्रोफाइल मेथड है। यहाँ मैम ने कहा सेट स्टूडेंट मेथड और गेट स्टूडेंट मेथड है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें स्टूडेंट की S1, और फिर हम स्टूडेंट की प्रोफाइल प्रिंट कर देते हैं टेक्स्ट फाइल से। तो स्टूडेंट प्रोफाइल यूजिंग क्लास TXT, और ये अपेंड मोड में हम फाइल ओपन करते हैं और इसके अंदर डेटा राइट करवाते हैं। और यहाँ हम किस तक चलाते हैं, फॉर लूप चला रहे हैं दो स्टूडेंट्स के लिए, यानी दो प्रोफाइल के लिए, हमने I0 एंटर प्रोफाइल, फिर दूसरे स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे हमने डेटा गेट किया, सॉरी वन एक स्टूडेंट के लिए कर रहे थे ताकि हम उसका डेटा गेट कर लें और फिर उसको प्रिंट करवा रहे थे, ये काम हमने किया था। तो मैं चला के दिखाता हूँ, तो उसमें हमने क्या किया, कंपाइल करते हैं कंपाइलर रन,
जब मुझे पूछ रहा है स्टूडेंट का नाम, तो मैंने कहा असद, एज 20, और फिर CGP 3 है, ये इसने डेटा प्रिंट करा दिया, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ठीक है, ये इसका आउटपुट का प्रोग्राम था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर एक क्रिएट करना चाह रहे हैं नया स्टूडेंट। अब वो नया स्टूडेंट कैसे क्रिएट होगा, वो एक पॉइंटर बना रहे हैं हम, और हमने कहा PTR S1। ये हमने क्या बनाया, पॉइंटर टू अ स्टूडेंट का स्टार, स्टार क्रिएट कर दिया। अब देखिएगा आप, जो इंटरेस्टिंग बात है समझने की, मैं यहाँ पर इस पॉइंटर वेरिएबल को PTR करते हैं इसको, PTR S1, पॉइंटर टू S1, PTR S1, और इसको मैं S1 दे रहा हूँ। देखें S1 क्या था, स्टूडेंट नोट करें, यहाँ पर S1 क्या है, ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट की स्टूडेंट की, और यहाँ हम पॉइंटर एड्रेस कंटेनर है, और S1 दे रहे हैं सिंपल, M% नहीं दे रहे। क्यों, क्योंकि ये वजह ये है कि जो आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे कि क्लास का ऑब्जेक्ट, उसमें हमें M% लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसमें भी देखा होगा स्लाइड में, जब रेफर कर रहे थे कि अगर आप किसी स्टूडेंट की बजाय किसी मेमोरी लोकेशन में आप रेफर करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रेफर करना चाहें, तो वो ऑब्जेक्ट वैसे ही हमारे पास क्या होती है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को पॉइंट कर लेती है। तो यह मैं आपको करके दिखाता हूँ, न्यू इनिशियलाइज का भी और इसका भी। पहले इसको करते हैं। अब क्या PTR S1 को एक्सेस कर रहा है, इसको हम लास्ट लाइन पे एंड से पहले पब्लिक मेथड देखिए नेम। हाँ, अब यहाँ हम लास्ट लाइन पे क्या करते हैं, रिटर्न से पहले मेन मेथड के अंदर मैं यहाँ पर आपको यूजिंग पॉइंटर, मैं कहूँगा सी आउट यूजिंग पॉइंटर प्रिंटिंग नेम, ये करके दिखा। ठीक है, तो कैसे करूँगा, मेरे पास है वहाँ पर PTR S1, इसके ज़रिए हम एक्सेस करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे किया PTR S1 डॉट, लेकिन डॉट जैसे लगाया मैंने नेम आ गया, आपने नोट किया ये, इसका मतलब ये हुआ कि PTR S1 के अंदर नेम पैच हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं चला के दिखाता हूँ प्रोग्राम। तो यानी PTR S1 इज ए पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट, और उसमें आप जाकर उसका नेम फैच करना चाहें तो वो नेम फैच कर सकते हैं। देखें यहाँ पे एग्जीक्यूट किया मैंने, कंपाइल एंड रन। अच्छा, इसमें परसेंट देना पड़ेगा शायद, ये न्यू करके करना पड़ेगा, कर सकते हैं इसमें स्टार करना पड़ेगा क्योंकि फैच कर रहे हैं वैल्यू। रेफरेंस स्टार str पॉइंटर टू डी रेफरेंस, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो आप लोगों के लिए ज्यादा, क्या हो रहा है, चले मेमोरी लोकेशन को ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं करने दे रहा मेमोरी को, ये सिक्योरिटी लगी हुई है कंपाइलर में इसके। लेकिन न्यू ऑपरेटर के जरिए आप न्यू स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना था वो ये है कि अगर आप पॉइंटर बना लें और इसमें आप यू करना चाहें न्यू स्टूडेंट, वो कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू और
स्टूडेंट की क्लास कॉल करें कंस्ट्रक्टर, तो ये एक नया स्टूडेंट क्रिएट हो गया है। कौन सा स्टूडेंट? पी टी आर एस वन क्या है? पॉइंटर टू स्टूडेंट। और इस तरह से हमने न्यू ऑपरेटर के जरिए नई स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करी है। ये करना ज़रूरी है क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यूज़र डिफाइन के लिए हमें बताना ज़रूरी है कि पी टी आर टाइप का है एस वन, लेकिन उसमें हमें पहले उस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर पास करना ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पे न्यू करके इसको असाइन कर लिया। ये वाला हम देखते हैं कि कंपाइल करके इस पर चल रहा है। रिटर्न जीरो से पहले क्या आ रहा है? अच्छा ये टाइमिंग कोलन लगा देते हैं। जी देखिए इसको एक्सेप्ट कर रहा है वो, या मैं अगर हुसैन जी हमने दिया तो ये द नेम ऑफ स्टूडेंट कर रहा है। अब अगर हम देखें कि क्या ये जो हमने स्टूडेंट क्रिएट किया इसके ज़रिए हम नेम को एक्सेस कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए मैं कंस्ट्रक्टर वाली क्लास ले रहा था, तो उसमें कंस्ट्रक्टर में आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। खैर मैंने यहाँ पे ये पॉइंट जो समझाना था वो समझ में आ गया होगा आपको कि आप स्टूडेंट जैसे क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसका भी पॉइंटर बना सकते हैं, और वो पॉइंटर आपका रेफर करेगा स्टूडेंट क्लास की ऑब्जेक्ट को, और न्यू ऑपरेटर के जरिए आप नया स्टूडेंट बना सकते हैं। तो अगर आपने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अगर बनाया कंस्ट्रक्टर बाय वैल्यू, तो मैं इसमें पास करके आपकी वैल्यू दिखाता हूँ, तो उससे आपकी नई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाती है विदाउट नोइंग द नेम। देखिए यहाँ तो हमने S1 बनाया ना, यहाँ हमें S1 भी नहीं बनाना पड़ेगा, स्टूडी बनाना पड़ेगा, लेकिन हम एक स्टूडेंट क्रिएट कर सकेंगे न्यू ऑपरेटर के जरिए। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में वो 17 और 23 स्टोर करवाया था इस तरह से। क्लियर है? क्लियर है जनाब? यस सर। अच्छा एक चीज़ उस एग्जांपल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे बताएं मुझे कि एक कॉन्सेप्ट कहलाता है डैंगलिंग पॉइंटर। क्या कहलाता है? डैंगलिंग पॉइंटर। या आपको हो सकता है कोई नाम पूछ भी ले कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं कि पॉइंटर किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन पे रेफर कर रहा है और जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, इससे को पॉइंटर हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। आपने एक मेमोरी एलोकेट की थी पॉइंटर को, पॉइंटर ने रेफर किया, ठीक है, उस मेमोरी पे आपने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। अब पॉइंटर के अंदर तो वही मेमोरी लोकेशन है, लेकिन आपने उस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा था उसको डिलीट कर दिया, तो दैट्स कॉल्ड डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, कैसे डिलीट करते हैं? डिलीट करना पहले आपको सिखाते हैं, फिर क्लियर होगा। आप अगर किसी पॉइंटर को डिलीट करना चाहें, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ हमने दो पॉइंटर बनाए हुए हैं, स्टार पी वन पी टू, पी वन में 23 है, पी टू में आपने पी वन का एड्रेस डाला, फिर पी वन को आपने नया लोकेशन दे दी। अब लेट्स सपोज यहाँ पर आपने पी वन को डिलीट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप वर्ड करेंगे यूज डिलीट पी वन, सिंपल। अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ पी टू की और पी टू की वैल्यू आफ्टर डिलीशन, तो आफ्टर डिलीशन में लिख लेता हूँ यहाँ पे आफ्टर डिलीशन पी वन, और आफ्टर डिलीशन पी टू क्या होगा? जी नजर आ रहा है आप लोगों को? पी वन में क्या आया? 1000 था, पी टू में 23 था। जब मैंने डिलीशन किया उसको, पी वन को डिलीट किया, ठीक है, तो डिलीट सिर्फ पी वन को किया, पी टू को डिलीट नहीं किया। क्या गया पी वन में? गार्बेज है ना? सही है, गार्बेज। अब ये बन गया पी वन डैंगलिंग पॉइंटर। क्या बन गया? क्या कहलाएगा ये?
डैंगलिंग पॉइंटर, मतलब ये पॉइंटर ऐसी जगह पे लोकेशन पे डिलीट कर रहा है जो एक्चुअली डिलीट हो चुकी है वो लोकेशन। मिसाल के तौर पे आप ऐसी जगह पे लेटर भेज रहे हैं जहाँ पे वो लोग रहते ही नहीं है जिसको लेटर भेजना है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कहलाएगा? सर डैंगलिंग पॉइंटर। तो वो इनवैलिड लोकेशन पे आपका डेटा चला जाएगा। कंप्यूटर में ये बहुत खतरनाक चीज होती है कि आप अपना असल डेटा किसी गलत जगह पे भेज दें। गलत जगह पे भेज देंगे तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो इसको आपको हैंडल करना पड़ता है, डैंगलिंग पॉइंटर को। अगर आपने डेटा को डिलीट कर दिया तो वो गार्बेज वैल्यू को फैच करेगा और गार्बेज वैल्यू डिसीशन हो जाएगा तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। क्या ख्याल है? अगर आपने P1 प्लस P2 करना था, पॉइंटर को अर्थमेटिक करनी थी, आपने पॉइंटर गलती से कहीं डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद आपने अर्थमेटिक कर दी, तो आपकी अर्थमेटिक तो गलत हो जाएगी, उसमें तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। आप किस करना चाह रहे थे, 2+2 हो गया 2+25,000, तो वो कुछ वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? डैंगलिंग पॉइंट कहलाता है। और डिस्ट्रॉय करेंगे डायनामिक मेमोरी लोकेशन को तो वो पॉइंट करती रहेगी उसी लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे पॉइंट करती रहेगी, जो कि एक खतरनाक चीज है। उस खतरनाक चीज को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं नल। अगर आप डिलीट कर दें पॉइंटर को, तो डिलीट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे P1 = null। ये हम कर रहे हैं सिर्फ डैंगलिंग पॉइंटर को हटाने के लिए। अब चला के देखें प्रोग्राम में क्या होगा। नल को ये कंपाइलर एक्सेप्ट ही नहीं करता यार, क्या करें? ऐसा ही है नहीं, इन्होंने नए कंपाइलर में डाल दिया रिस्ट्रिक्शन, कैपिटल में लिखना है। अब सही आ रहा है, डिस्ट्रॉय हो गया पॉइंटर, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया क्योंकि आपने पॉइंटर को डिलीट किया। डिलीट करने के बाद उसको नल कर दिया। नल करने के बाद आप क्यों एक्सेस कर रहे हैं उसको? जब उसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, एरर दे देगा। क्योंकि यूं समझ लें कि आपने जब डिलीट किया पॉइंटर, तो पॉइंटर डिलीट हो गया, वो उस लोकेशन को वो रेफर करता है, लेकिन उसका लोकेशन पे जो डेटा था वो डिलीट हो गया। जब आपने पी इक्वल टू नल किया तो इसका मतलब ये है पॉइंटर को आपने ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अब पॉइंटर को अगर रेफर करेंगे तो आपका प्रोग्राम एरर देगा, यानी रन टाइम एरर देगा। इसको ये जो इस तरह से एरर आता है ना, इसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। और जब हम चलाते वक्त तो हमें चलाने नहीं देता प्रोग्राम, इसको कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? यस सर। चलें जी, यहीं हम स्टॉप करते हैं सर। सर अब हम P1 और P2 को ऐड करें तो वैल्यू P2 की आएगी या P1 भी ऐड हो जाएगा? एरर आएगा, एरर एरर आएगा, क्योंकि वो आपने नल कर दिया ना उसको। नल का मतलब पॉइंटर खत्म हो गया, फिनिश। सर अगर इसे डिलीट कर दें और फिर दोनों को ऐड करें तो फिर ये गार्बेज होंगे, मतलब जो गार्बेज होगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे? हाँ, देखें पॉइंटर गार्बेज लोकेशन को फैच करा, और हर दफा चलाएंगे ना आप, देखेंगे दोबारा चला के दिखाते हैं प्रोग्राम, हर दफा चलाएंगे ना, हो सकता है आपको वैल्यू डिफरेंट मिले। अगर गार्बेज नहीं हुआ, मतलब कोई और चीज़ हो सकता है उसके पास आ जाए गार्बेज के परस्पेक्टिव में। अब देखें अब क्या आया, चेंज हो गार्बेज नहीं सर। अगर ये डिलीट करने के बाद इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं P1 और P2 को, तो फिर क्या मतलब कि ये दोनों गार्बेज ही ऐड होंगे या फिर कोई दूसरा गार्बेज आएगा? नहीं, गार्बेज ऐड होंगे ना। देखें कर लेते हैं सी आउट स्टार P1 प्लस स्टार P2। देखें गार्बेज जब एडिशन होगा, 84 में आपने 23 ऐड किया तो क्या आएगा, 007, 15,000 ये है। चलिए 153,984 में जब आप 23 जमा करेंगे तो क्या आएगा, 154,407। ठीक है जी, समझ गए। मैं आ गई। चलिए
इसको बार बार चलाएंगे तो बार बार नई नई वैल्यू आएगी शायद, आप देखें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, क्या हो रहा है, गार्बेज डेटा आ रहा है। वो पॉइंटर जिस पॉइंट वैल्यू पे पॉइंट कर रहा था उससे उसका सिलसिला मुनकता हो गया है। अब वो पॉइंटर तो उसी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है लेकिन कंप्यूटर को ये पता है कि ये पॉइंटर डिलीट हो चुका है तो मैं इसकी जगह दूसरी वैल्यू रख सकता हूँ, तो वो हर दफा उसको नई वैल्यू रख रहा है वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम में जो नई वैल्यू रख रहा है पॉइंटर वो उसी लोकेशन पे समझ रहा है, बस यही है। ठीक है, क्लियर? चलें जी स्टॉप करते हैं यहाँ पर, और किसी को क्वेश्चन पूछ लें फिर हम स्टॉप करते हैं, आज तक इतना ही काफ़ी है। इसकी प्रैक्टिस करें, लैब करें, सैटरडे को लैब में के टास्क में पोस्ट कर देता हूँ आज ही, आप करें उसको सॉल्व करें पहले, कोशिश करें। सैटरडे की मंडे में मैं डिस्कस कर दूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा सैटरडे शाम तक, और टास्क जो है मैं आज शाम तक पोस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह, उसमें से आपने कोशिश करनी है सॉल्व करने की। नहीं हो तो आप सैटरडे को मॉर्निंग में हमसे पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मज़ीद, तो आपको दोनों डेमो हो जाएंगे बगैर एक्सप्लेन किए कितने हल परसेंट हल कर सकते हैं, मतलब है थ्योरी की जो लेक्चर है इसकी बेसिस पे कितना हल कर सकते हैं और एक्सप्लेन करने के बाद कितना हल कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है? यस 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 सर, ओके सर, ओके। इंशाल्लाह स्कोरिंग में आज कर दूंगा, सेशनल नेशनल फाइनल कर दूंगा इसी हफ्ते, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फाइनल होगा आपका थर्सडे। जो लोग जिनको जो आज नहीं है उनको बता दीजिएगा, जो अटेंड नहीं कर पाते क्लास उनको बता दीजिएगा, बस ये हमारा कोर्स कंक्लूड हो गया और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारा आखिरी हफ्ता है। ठीक है, 15 जुलाई तक इंशाल्लाह हम कोर्स को कंक्लूड करें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।